रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ेंगे, जनसंपर्क अभियान आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से हमने आपके साथ मिलके जो काम किए हैं वो काम बंद नहीं होने चाहिए, ये मेरी चिंता है। मेरी चिंता ये नहीं है कि हम जेल गए और भी जेल देश के लिए जेल जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन मेरी ये चिंता है दिल्ली के 3 करोड़ 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके पिछले 10 साल में हमने जो दिल्ली को सुधारा है, स्कूल सुधारे हैं, अस्पताल सुधारे हैं, लोगों की जिंदगी सुधारी है, वो काम बंद नहीं होने चाहिए। दिल्ली के कामों को और आपको मिल रही सुविधाओं को अब केवल आप अपने वोट की ताकत से बचा सकते हो। मुझे भरोसा है कि हम सब मिलके बीजेपी के काम रोकने के हर षड्यंत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत से हराएंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे और आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालूंगा और पहले की तरह आपके सारे काम करवाऊंगा। ये चिट्ठी लेके अपने को घर घर जाना है, ये जनसंपर्क अभियान है जिसको आज से शुरू कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता को मेरे लिए नहीं करना, अपनी दिल्ली बचाने के लिए करना है। और दिल्ली ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है, ये जो काम हमने किए हैं अस्पतालों के, स्कूलों के, बिजली के, पानी के, सड़कों के, तीर्थ यात्रा के, महिलाओं की यात्रा के, फरिश्ते स्कीम, ये काम किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी पार्टी ने किया ही नहीं था और ना इनके करने की कोई मंशा है। ये काम रुकने नहीं चाहिए। तो जो जो लोग देश के लिए सोचते हैं, दिल्ली के लिए सोचते हैं, वो सारे इसमें लगेंगे। इसलिए नहीं लगेंगे कि मैंने कहा, इसलिए लगेंगे कि अपनी दिल्ली की और अपने देश की चिंता है। तो सब लोगों को अगले 10 दिन तक 15 दिन तक खूब मेहनत के साथ इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना है, घर घर जाना है और जनता को बताना है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी गिरफ्तारी का सच क्या है। भारत माता की, भारत माता की, किए हैं शानदार काम, बांटा है प्यार, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे चौथी बार। तो सर, हम सब आपसे वादा करते हैं कि इस जनसंपर्क अभियान को दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएंगे और 70 की 70 सीटें जीतकर आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो काम हमने किया है वो काम रुकना नहीं चाहिए। दिल्ली के लोगों का सपोर्ट लगातार रहा है। जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों तक अपना सीधा संवाद पहुंचाते हुए अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं दिल्ली की जनता पर भरोसा है, दोबारा चुनेगी, कुर्सी पर बिठाएगी। मुझे लगता है अभी राष्ट्रगान चल रहा है। आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान, जैसे कि नाम से ही मालूम होता है, लोगों से संपर्क बनाने के लिए यह अभियान जारी है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा था, इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल ने जब ये अनाउंस किया था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तभी ये कह दिया गया था कि लोगों के बीच हम पहुंचेंगे, घर घर पहुंचेंगे, डोर टू डोर पहुंचेंगे और लोगों से बात करके हम ये पता लगाएंगे कि दिल्ली के लोगों का मूड आखिर क्या है। आने वाले टाइम में दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस होने हैं, उसी को लेकर माहौल अभी से आम आदमी पार्टी तैयार करने में लग गई है। जैसा आपने अभी नारों में भी सुना होगा, यहाँ नारे लग रहे हैं कि चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे अरविंद केजरीवाल। मंच पर बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े चेहरे मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी भी मंच पर दिखाई दी।